भारतीय जनमानस में समाज आगे रहा है और सरकारें पीछे रही है, और भारतीय जनमानस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी आस्था का सम्मान करो, और जो भी उसके आस्था का सम्मान देता है वह उस राज सत्ता को सिर आंखों में बिठाने का काम करता है। याद रखना, यही कारण था कि राजनीतिक इकाइयां भारत के अंदर अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक एकता भारत के अंदर एक थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, याद करिए हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने भारत की जो सीमा तय की वही सीमा आज उत्तर से दक्षिण तक है। पूरब से पश्चिम तक कृष्ण ने जो सीमा तय की वही सीमा आज भी है। केरल से निकला एक सन्यासी चार कोनों में चार पीठों की स्थापना कर देता है, किसी भी राजा रजवाड़े ने उनको रोका नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान दिया, आगे जाने की व्यवस्था दी, एक राह दी। कपिलवस्तु का एक राजकुमार सन्यासी बनकर के ज्ञान का उपदेश देता है, उनके लिए सभी राजे रजवाड़ों ने अपने पलक पावड़ी बिछा डाली। यह भारत है, आस्था का सम्मान करता है, और केवल भारत की ही आस्था का सम्मान नहीं किया उसने, बल्कि दुनिया की, विश्व मानवता की आस्था का सम्मान का राह भी भारत ने दिखाई। ये हर कालखंड में हुआ है, और यही स्थिति अयोध्या के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है। ये वीडियो मीकु नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडी, 10 मंदिकि शेयर चेयंडी, अलागे कामेंट्ल रूपंलो मी अभिप्रायालनु मातो पंचुकोंडि। नेशनलिस्ट हब ग्रूप आफ् चानल्स नु सब्स्क्राइब चेसुकोनि तेलुगुनाट जातीयवाद जर्नलिज्म नि प्रोत्साहिंचंडि। ई वीडियो किंद उन्न बेल ऐकान् पै क्लिक् चेयडं मर्चिपोवद्दु।